मैं कल्पना गौतम बीसीएनसी न्यूज से स्टेट ब्यूरो चीफ। पेटीएम केवाईसी के नाम पर अकाउंट खाली कर रहे जालसाज। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया पर ग्राहकों को कंपनी से जुड़ी फर्जी मेल मैसेज और कंपनी के अधिकारी होने का दावा करने वाले फ्रॉड्स को लेकर आगाह किया। शर्मा ने ट्वीट किया, कृपया ऐसे किसी एसएमएस का भरोसा ना करें जिसमें आपके पेटीएम अकाउंट को बंद करने या केवाईसी कराने की बात लिखी हो, यह फ्रॉड है। अन्य ट्वीट में शर्मा ने एसएमएस की तस्वीर भी डाली जो पेटीएम के ग्राहकों को भटकाने के लिए भेजा जा रहा है। मैसेज में लिखा है, हम आपके पेटीएम अकाउंट को कुछ समय बाद बंद कर देंगे, अपना पेटीएम केवाईसी पूरा कराइए। इस एसएमएस में केवाईसी की प्रक्रिया के लिए फ़ोन नंबर भी दिया गया है। शर्मा ने यूजर्स को आगाह करते हुए ट्वीट किया, ऐसे या लकी ड्रॉ से जुड़े एसएमएस के जरिए फ्रॉड आपकी जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जाल में ना फंसें। पिछले 3 महीने में कंपनी के साइबर सेल और रिजर्व बैंक को कई पेटीएम ग्राहकों की तरह से स्कैम की शिकायतें मिली हैं। फ्रॉड करने वाले कंपनी के कर्मचारी होने का दावा करके उन्हें लूट रहे हैं।